हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। कल हम लोग ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था, जरा प्लीज बताइए मुझे कि कल का कुछ पढ़ा भी है कि याद है कि नहीं। क्या पढ़ाई की थी कल हम लोग ने, जल्दी जल्दी बताइए। तो पता है ना कल हम लोग ने क्या पढ़ा था? परसेंटेज, जो कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज का वन पार्ट था। ठीक, मैंने आप लोगों से कहा था कि उससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और सबसे सब क्वेश्चन से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को सॉल्व कराया था। आई होप आप सब लोगों ने वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। ओके, और आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस का कॉन्सेप्ट क्या है, किसको कहते हैं, और इसमें हम किन किन चीज़ों को स्टडी करेंगे, इंक्लूड करेंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा आप लोग बताओ कि प्रॉफिट मीन्स होता क्या है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। प्रॉफिट मतलब गेन या लाभ, जिसको हिंदी में आप कह सकते हो। ठीक है, लॉस मतलब आपने कुछ खो दिया, हानि हो गई आपको, आपको हो गई। तो किसी भी चीज को, मान लीजिए आपने एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 2 रुपीज में 1 पेन लिया आपने, ठीक है, और 2 रुपीज में वो पेन लेके आपने 3 रुपीज में किसी को दे दिया, तो आपका क्या हुआ, आपने 2 रुपए में उसको खरीदा था और 3 रुपए में दे दिया, तो खर्च तो आपने 2 रुपए किए बट आपको मिले कितने, 3 रुपए। तो 1 रुपए का क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो जो इस किस किस प्राइस में आपने खरीदा, किस प्राइस में आपने बेचा, आपको प्रॉफिट हुआ, आपको लॉस हुआ, ये सारे टर्म हमको इसमें पढ़ने हैं। इसके बाद प्रॉफिट हुआ तो वो कितने परसेंट हुआ, लॉस हुआ तो वो कितने परसेंट हुआ, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं। कॉस्ट प्राइस किसको कहते हैं, सेल प्राइस किसको कहते हैं, कब हमको प्रॉफिट होता है, कब हमको लॉस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, अब देखिए आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ डेफिनेशंस दिखाई दे रही हैं। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब उसका लागत मूल्य। हिंदी में अगर एकदम हिंदी में एक्सप्लेन करने की बात होगी तो उसमें जिस भी चीज को हम, मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में कोई चीज बन रही है, तो उसको बनाने में हमको किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट हुई, कितनी उसमें प्राइस आई, कितना उसमें पैसा लगा, वो सारे टर्म्स क्या होते हैं, कॉस्ट प्राइस होते हैं। ठीक है, कोई भी चीज हम खरीदते हैं, तो हमने उसको खरीदा, उसके बाद हमने उस पर किस पे खर्च किया, हमने और भी अलग अलग एक्सपेंस होते हैं, जैसे हमारा को हमें आजकल क्या है, सेल टैक्स देना पड़ता है, वैट देना पड़ता है, और उसके ऊपर जो है कभी कभी रिपेयरिंग के चार्जेस हो जाते हैं, कभी कभी आपका क्या हो जाता है, उस पर लेबर चार्ज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं कॉस्ट प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल आपने एक कूलर लिया, ठीक है, एक शॉप से आपने कूलर लिया, कूलर की कॉस्ट थी 5,000 रुपीज। ठीक है, अब आपके घर से वो शॉप थोड़ी दूर पे थी, तो कूलर आप अपने सर पे उठा के तो लाओगे नहीं, कि ले आओगे आप लोग सर पे उठा के कूलर, नहीं ना। उसके लिए आप क्या करोगे, आप उसके लिए कोई ट्रॉली करोगे या किसी गाड़ी में उसको लेके आओगे। तो जिस भी गाड़ी या ट्रॉली से आप लेके आओगे वो आपको फ्री में तो बेटा लाके देगा नहीं, उसके ऊपर चार्जेस लगाएगा। अगर आपने किसी रिक्शे वाले को लिया, किसी ऑटो वाले को लिया, तो वो भी आपसे चार्जेस लेगा। तो मान लेते हैं कि उसने 500 रुपीज आपसे वो चार्ज किए। अलमीरा का, सॉरी कूलर का प्राइस क्या था, 5,000 रुपीज। अब आपने इस पे और 500 रुपए खर्च कर दिए, तो ये 500 रुपीज आपके उस कॉस्ट प्राइस में ऐड हो गए। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि कूलर कितने का लिया भैया, तो आप क्या करोगे, कहोगे 5,500 रुपीज। क्यों, क्योंकि उस कॉस्ट प्राइस में हमारा लेबर चार्ज या आपके आने का खर्च वगैरह सब जुड़ गया। कोई चीज आप लेने जाते हो, दुकान से लेने जाते हो, किसी भी चीज को आपने, उसका जो ओरिजिनल दाम होगा जब आप बिलिंग कराओगे, पक्की बिलिंग कराओगे, तो उसमें जुड़ा रहेगा सेल टैक्स, वैट, तो वो सारा आपके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड रहता है। क्लियर, तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड इट्स कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस को लिखते कैसे हैं, सीपी, ऑलवेज याद रखिएगा इसको कि कॉस्ट प्राइस को हम लिखते कैसे हैं, सीपी। अब
द ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक सेल टैक्स लेबर चार्ज एंड मेंटेनेंस आर इन द इंक्लूडेड इन द कॉस्ट प्राइस. जो मैंने अभी तक आपको डिस्क्राइब किया कि जितने भी एक्सपेंस होंगे ऊपर से, कभी कभी हम क्या करते हैं कोई पुरानी चीज़ सेकेंड हैंड खरीद के ले आते हैं. अब सेकेंड हैंड चीज़ तो हमने खरीद ली बट उसमें कुछ दिक्कत होती है, कुछ चीज़ें उसमें ख़राब होती हैं, उसको हम मेंटेन कराते हैं तो वो मेंटेनेंस चार्ज हो गया. ठीक है, वो मेंटेनेंस चार्ज भी हमारा कहाँ चला गया, कॉस्ट प्राइस में. अगर हम उसकी टोटल वैल्यू किसी से पूछेंगे, उस चीज़ की किसी को बताएंगे तो उन सारे चार्जेस को इंक्लूड करके बताएंगे. क्लियर है, लिख लीजिए लिखना है तो. जल्दी से कर लीजिए. ओके, अब कॉस्ट प्राइस के बाद आता है हमारा सेल प्राइस. जैसा कि इसके नाम में ही है, कॉस्ट प्राइस किस प्राइस में वो चीज बन रही है, सेलिंग प्राइस सेल प्राइस. ठीक है, कि द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, किस प्राइस पे आपने उस आर्टिकल को सोल्ड किया वो उसकी क्या हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई, जिसको हम कहते हैं एसपी. सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेल प्राइस. अब ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए. अब आपको कब गेन होता है एंड कब लॉस होता है, इसमें कुछ फार्मूला है जो हमेशा आप याद रखेंगे. ठीक है, अब देखो पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट की. देखो बेटा, प्रॉफिट तो तभी होगा जब हमारी कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से कम होगी. इट मीन्स अगर हमारी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज तो सेल प्राइस हमारी होनी चाहिए 110, देन हमको होगा गेन और प्रॉफिट. तब हमें क्या होगा, गेन होगा या प्रॉफिट होगा. सो हम कह सकते हैं कि गेन इज इक्वल टू, एक फार्मूला ऑप्टेंट हमारे पास होता है, एसपी माइनस सीपी, जहां पर हमारा एसपी इज ग्रेटर देन सीपी. अगर एसपी ग्रेटर होगा सीपी से देन वी गेट गेन और प्रॉफिट. तब हमको क्या होता है, गेन और प्रॉफिट होता है. इसका फार्मूला है एस गेन इज इक्वल टू एस पी माइनस सीपी. ये तो सिंपली गेन आपने फाउंड कर लिया. कहीं कहीं आता है आपको गेन परसेंट. ओके, ये आ गया गेन परसेंट. गेन परसेंट का फार्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इनटू 100. कल परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस किया था कि जहां पे आपको परसेंट लगाना है देन मल्टीप्लाई बाय 100 एंड परसेंट रिमूव करना है तब आपको करना है डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो यहां से आपका गेन निकल गया. गेन परसेंट हो जाएगा गेन अपॉन सीपी इनटू 100. एनी कंफ्यूजन, जल्दी से इस फार्मूले को आप लोग उतार लीजिए फास्ट. ओके, अब हम लोग बात करते हैं लॉस की. जैसा कि आपको यहां से समझ में आ रहा होगा कि गेन कब होता है, जब एसपी ग्रेटर होता है सीपी से, जस्ट अपोजिट. लॉस कब होता है, जब सीपी आपका ग्रेटर हो जाता है एंड एसपी कम हो जाता है. मतलब आपने कोई चीज 100 रुपीज में खरीदी और 90 रुपीज में ही उसको बेच दिया, मतलब आपकी कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 रुपीज, सेल प्राइस क्या है, 90 रुपीज. मतलब कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गई, सेल प्राइस कम हो गई, देन वी गेट लॉस. तब हमको क्या होता है, लॉस होता है. ठीक है, उसका फार्मूला देख लीजिए. ये इज इक्वल टू लग गया बेटा, नहीं, सीपी माइनस एसपी, ये गलत प्रिंट हो गया है. ठीक है, देन लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इनटू 100%. हमेशा याद रखिएगा जो लॉस परसेंट एंड गेन परसेंट होगा वो ऑलवेज सीपी को ही हम रखेंगे. यहाँ पे गेन अपॉन सीपी था, यहाँ लॉस अपॉन सीपी हो जाएगा. ठीक है, जल्दी से इस फार्मूले को भी लिख लीजिए. अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे. क्लियर, ओके.
देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, अ ट्राइसिकल वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज 1120। एक ट्राइसिकल को परचेज किया गया कितने रुपीज में, 1120। देन सबसे पहले आप लिख लीजिए क्या क्या आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। किसी भी चीज को खरीदना उसकी क्या हो जाती है, कॉस्ट प्राइस, तो लिखेंगे कॉस्ट प्राइस सीपी रुपीज 1120, ठीक है। एंड सोल्ड फॉर 1260, सोल्ड मतलब सेलिंग प्राइस रुपीज 1260। आप देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस हमारी कम है, सेल प्राइस हमारी ज्यादा है, तो हमको क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, जल्दी बताइए। कॉस्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस ज्यादा है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। गेन होगा, गेन और प्रॉफिट, उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, ठीक है। ये हो गया हमारा 1260 1120, यानी हमारा प्रॉफिट हो गया 140 रुपीज का। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। यहां पे आपको फार्मूला याद होना चाहिए, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। प्रॉफिट हो गया आपका 140, कॉस्ट प्राइस है आपका 1120, 100। आगे आपका 25 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2% आपका गेन होगा, या 12.5% आपका गेन परसेंट आ गया। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन किया जाएगा कि हम सबसे पहले देखेंगे कि कॉस्ट प्राइस कितनी है, फिर हम देखेंगे सेल प्राइस कितनी है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस हमारी कम है, सेलिंग प्राइस हमारी ज़्यादा है, तो हमको होगा प्रॉफिट। जस्ट अपोजिट, अगर हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेल प्राइस हमारी कम है, तो हमको होगा लॉस। अब लॉस निकाल लिया हमने, इसके बाद लॉस परसेंट या गेन परसेंट निकालने का फार्मूला आपको लर्न होना चाहिए। प्रॉफिट परसेंट का है प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, एंड लॉस परसेंट का है लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है। उतार लीजिए इसको, चलिए अब एक लॉस वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर रुपीज 400 एंड सोल्ड फॉर रुपीज 336, फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। यहां तो आपको क्वेश्चन में ही दे दिया है कि लॉस हो रहा है, तो हमको फिर भी देख लेते हैं क्या है सीपी ऑफ 400 एसपी 336, लॉस इज इक्वल टू अब लॉस निकालिए आप लोग। आप देख रहे हो कि सीपी हमारी क्या है, ज्यादा है, एसपी हमारी क्या है, कम है, मतलब किसी भी चीज को हमने ज्यादा पैसों में खरीदा है और कम पे बेच रहे हैं, तो हमारा नुकसान हो रहा है कि नहीं, हमारा जो बिजनेस है उसमें हमको लॉस हो रहा है। देन लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, जल्दी से करिए।
सिस्टम हैंग हो गया बेटा, 2 मिनट रुक जाइए, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर, तब तक आप लोग लॉस निकालिए। लॉस निकाल के, लॉस परसेंट का फार्मूला निकाल के लॉस निकालिए जल्दी से। चलिए, क्या आ रहा था हमारा, सीपी आ गया था हमारा 400, एसपी आ गया था हमारा 336, लॉस हो गया हमारा सीपी माइनस एसपी, ठीक है, 400 336, 64 रुपीज का लॉस। आपको भी यही आया था, आपका भी यही आंसर आया था, ठीक है। अब लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, 64 इंटू 100, 20 से 20 कट गई, 4 1 जा 4, 4 4 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 16% का हमारा लॉस हो गया। ओके, चलिए, आप तो ये सीधा सीधा जैसे आपको दे रहा था गेन और लॉस, और गेन और लॉस परसेंट फाइंड आउट करिए, ये है। अब कुछ अलग तरीके की भी क्वेश्चंस इसमें पूछ देता है, जैसे कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू फाइंड एसपी When CP and gain or loss percent are given, ठीक है, तो इसका पहले फार्मूला लिख लीजिए आप लोग जल्दी से। फाइंड क्या करना है, SP, then SP फाइंड आउट करना है दो सिचुएशन में, कब गेन है कब लॉस है। तो गेन की सिचुएशन में फार्मूला लिख लीजिए, गेन की सिचुएशन में SP इज इक्वल टू, ठीक है, जब कोई भी आर्टिकल हम ले रहे हैं या सोल्ड आउट कर रहे हैं तो उस पोजीशन में आपका, आपको सब दे दिया है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो वो सेलिंग प्राइस निकालने का फार्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इनटू सीपी, ठीक है। एसपी निकालने का फार्मूला क्या होता है, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। अगर लॉस की कंडीशन है तब फार्मूला क्या होता है एसपी का, 100 यहां पे क्या है प्लस गेन परसेंट, यहां हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, लिख लीजिए। ऐसे ही हमारे पास सीपी निकालने के भी दो फार्मूले होंगे जो कि हम बाद में करेंगे, पहले हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। अगर गेन है तो हम फार्मूला लगाएंगे 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, अगर लॉस है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, लिख लीजिए इसको। तो इससे रिलेटेड एक एक क्वेश्चन हम करेंगे तब हमको समझ में आएगा कि क्या करना है। हो गया, चलिए, देखिए क्या दे रहा है,
फाइंड द एसपी ऑफ एन आर्टिकल फॉर विच सीपी इज इक्वल टू 6 फीट. सीपी इज इक्वल टू रुपीज 650 एंड गेन 6%. दो चीजें दी हैं. अब जरा फार्मूला लगा के आप लोग निकालिए, उसके बाद मैं इस पे करूंगी और आप लोग अपना मैच करोगे. जल्दी से करिए. क्या फार्मूला था हमारा? एस पी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी, है ना. अब क्या हो गया हमारा? 100 प्लस गेन परसेंट हमारा 6 है अपॉन 100 इंटू सी पी. सी पी कितना है? 650. अभी आ गया 106 अपॉन 100 इंटू 650. 10 से 10 यहाँ पे कट गई. 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15. 53 इंटू 13. 53 इंटू 13 कितना आएगा? 689. ठीक है, तो हमारा आ गया सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू रुपीज 689. अब आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ आपका आंसर करेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमको प्रॉफिट हो रहा है 6% का. और हमारा कॉस्ट प्राइस है 650, सेल प्राइस है 689, मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है. इस तरीके से आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे. लिख लो जल्दी से. ठीक है, चलिए अब लॉस वाले पे भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं. अब क्या है? फाइंड द एसपी ऑफ अ टेबल हुज सीपी इज इक्वल टू 3300 एंड सॉल्व एट अ लॉस ऑफ 10%. ठीक, सबसे पहले लिख लीजिए क्या क्या गिवन है आपको. गिवन है आपको सीपी इज इक्वल टू रुपीज 3300 एंड लॉस 10%. हमारा एस पी का फार्मूला हो गया 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी. वन टू वन टू मतलब 33 इंटू 90. दैट इज योर आंसर. अगर आपको इस चैप्टर में फार्मूला लर्न है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन फार्मूला लर्न होना चाहिए बेटा, अगर वो नहीं याद है तो कुछ भी नहीं हो सकता इस चैप्टर में. जल्दी से उतार लीजिए. तो दो फार्मूले वो और हैं, वो मैं आपको लिखवा दूंगी. उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप से करोगे. क्या है? एसपी हमको यहाँ फाइंड आउट करना था तो हमने ये फार्मूला लिखा था. अगर हमको सीपी फाइंड आउट करना है तब हम क्या करेंगे? ठीक है, उसके भी अलग से फार्मूले हैं, वो भी लिख लीजिए जल्दी से. पहले इसको उतार लीजिए. डन. ओके, नेक्स्ट.
देखो अब हमको अगर सीपी फाइंड आउट करना है और एसपी आपको दिया है प्रोसेस ऑफ गेन, गेन के प्रोसेस में आप क्या करोगे, कौन सा फार्मूला लगाओगे, ठीक है वो लिख लीजिए, 100 अपॉन, ठीक है 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। क्या किया हमने, एसपी निकाल रहे थे, ठीक है तो हम इसको क्या कर रहे थे ऊपर, अब हम क्या निकाल रहे हैं सीपी, देन मल्टीप्लाई बाई सेलिंग प्राइस। क्या किया हमने, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। अब इन द कंडीशन ऑफ लॉस, लॉस की कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर हमको सीपी निकालना है, ठीक है देन 100 अपॉन 100 गेन है तो प्लस और लॉस है तो माइनस इनटू सेलिंग प्राइस। ओके देख लिया आप लोगों ने, कोई आपको फार्मूला याद करने का भी बहुत अच्छा तरीका है। अगर सेल प्राइस है तो ये सारी चीजें ऊपर हो जाएंगी, अपॉन 100 हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस और यहां पे सीपी हो जाएगा। अगर एसपी निकालना है तो, अगर सीपी निकालना है तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इनटू सेलिंग प्राइस, जस्ट लाइक लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट। अब इन दोनों फार्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन मैंने नहीं कराए हैं, जो आपका होमवर्क है। इन दोनों क्वेश्चंस, इस दोनों फार्मूले पे एक गेन परसेंट और एक लॉस परसेंट पे आपको सीपी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो आप लोग अपनी अपनी बुक से दो दो क्वेश्चन करोगे। समझ में भी आया कि नहीं आया, ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। अब इसके बाद इसमें आएगा वैट, आप अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट है, वैट है, ये सारी चीज़ें इसके आगे इंक्लूड होंगी, जो कि थोड़ा सा आप आगे पढ़ोगे तो आगे का नॉलेज है ये सब, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश है, बट आपका होमवर्क है कि प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस, जहाँ आपने 2 से 3 क्वेश्चंस लगाए आपको फार्मूला एकदम याद हो जाएगा। ओके आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में।